राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के मामलों की जांच अब गृह मंत्रालय की तरफ से गठित कमेटी करेगी। इस मामले में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी पीएमएलए, आयकर और एफसीआरए के तहत मामलों की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल सीमांचल दास कमेटी की कमान संभालेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर इससे पहले भी आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से लगातार ट्वीट्स किए गए थे, जिसमें उन्होंने ये जानकारी रिलीज की थी कि कैसे प्रधानमंत्री का जो फंड होता है पीएम रिलीफ फंड, उसका पैसा फाउंडेशन में ट्रांसफर हुआ और इसे लेकर जबरदस्त हमलावर बीजेपी रही गांधी परिवार पर और कांग्रेस सरकार पर। लेकिन अब गृह मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी जांच करेगी, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इन सभी को जांच के दायरे में लाया गया है। हालांकि अब ये तय है कि एक बार फिर से नए सिरे से इस पर राजनीतिक बहस छिड़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस सरकार पर हमला किया, गांधी परिवार पर हमला किया, तो जबरदस्त रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उस पर आया था। और हमने देखा था ना, उस दौरान भी जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो ये बात बड़े मुखर तरीके से कही गई कि इस समय मामलों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन यकीनन राजनीति इस पर तय। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता ऐसे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पिछली बार भी जब इस तरह की बातें सामने आई थी तब ये कहा गया था कि गड़े मुर्दे उखाड़ रही है बीजेपी, जो पुरानी चीजें हैं उनको सामने ला रही है, ये वक्त नहीं है इस तरह की चीजें करने का, क्योंकि कोरोना से हम जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार का ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि कांग्रेस के घोटालों पर। बिल्कुल, कांग्रेस ने उस समय सवाल बीजेपी के ऊपर उठाए थे, लेकिन अब ये आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय ने ये फैसला ले लिया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन सहित जो और दो ट्रस्ट हैं, जिसमें राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इनके खिलाफ जांच की जाएगी और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें ईडी के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को जिस तरीके से बड़े स्तर पर फंडिंग दी जा रही थी उसको लेकर के 10 सवाल पूछे गए थे और ये कहा जा रहा था कि चीन की तरफ से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग हो रही है। तो इन सवालों के बीच में गृह मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है, इसमें साफ तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, साथ ही एफसीआरए डिपार्टमेंट जो गृह मंत्रालय का होता है, इसके अलावा ईडी का जो पीएमएलए डिपार्टमेंट है, इन तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कार्रवाई की जाएगी और इसमें छानबीन की जाएगी। जो कमेटी बनाई गई है ये महत्वपूर्ण है और गृह मंत्रालय ने इस समय फैसला लिया है जब इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का, बात करेंगे गैंगस्टर विकास दुबे की, क्योंकि इसके दाहिने हाथ अमर दुबे को हमीरपुर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मार गिराया है। वहीं फरीदाबाद से पुलिस ने विकास दुबे के एक साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में एक और सहयोगी श्यामू वाजपेयी मुठभेड़ में घायल हो गया। हालांकि विकास दुबे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे फरीदाबाद से भी भाग निकला था और अब कई शहरों में उसे ढूंढ रही है पुलिस, इसे लेकर एक्शन में है। 50 टीम्स हैं यूपी पुलिस और एसटीएफ की मिलाकर जो इस वक्त विकास दुबे को खोजने में जुटी हैं, लेकिन अब तक विकास दुबे के बारे में जानकारी नहीं मिली। और जब अपने संवाददाताओं से भी हम बात करें तो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जब भी पुलिस उसके करीब पहुंचती है उससे पहले ही वो उस जगह से भी फरार हो जाता है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक सीसीटीवी फुटेज जो मिला है फरीदाबाद के एक स्टोर के बाहर से। इसमें नीली टी शर्ट में जो ये शख्स आप देख रहे हैं, विकास दुबे के सहयोगियों का यह कहना है कि ये विकास दुबे ही है। अब देखना यह होगा कि जो ये ताजा सबूत मिले हैं, ताजा जानकारियां जहां पर फरीदाबाद से कनेक्शन जुड़ता हुआ विकास दुबे का दिखाई दे रहा है, क्या अब यहां से कोई कामयाबी हाथ लगती है। ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं कौन कौन से शहरों से विकास दुबे का कनेक्शन है। दिल्ली, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, लखीमपुर, उन्नाव, कानपुर, चंबल के बीघड़, कन्नौज, फरीदाबाद, गुरुग्राम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कानपुर देहात जहां पर विकास दुबे का घर था वहां से एक साइकिल से फरार हुआ, उसके बाद कुछ दूरी पर जाकर इसके दोस्त की एक मोटरसाइकिल से आगे की ओर रवाना हुआ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ज्यादा दूर नहीं गया है विकास दुबे। ये हम आपको वो संभावित जगह दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ये भी आपको दिखा देते हैं कि कहां कहां से विकास दुबे के सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है। कानपुर से चौबेपुर थाने की पुलिस वाले लाइन हाजिर कर लिए गए हैं। वहीं विकास दुबे मामले में एसटीएफ के डीआईजी का तबादला कर दिया गया है।
फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ है। सबसे पहले अरविंद ओझा का रुख करते हुए, अरविंद सुबह से ही आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, आप ये जानकारी दे रहे हैं कि जो नीली टी शर्ट में शख्स है वो विकास दुबे हो सकता है, लेकिन इस बात पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला अगर देखें और जिस तरीके से उसके जो गुर्गे हैं, उसके जो साथी हैं, वो उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुठभेड़ हो रही है, कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई, पुलिस का सहयोग, जिस तरीके से एक पूरे के पूरे थाने और एक पूरे महकमे के पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए, ये लगता है कि बहुत बड़ा नेक्सस था, काफी लंबे समय से चल रहा था और अब परत दर परत इसकी खुल रही है। जी बिल्कुल, अगर नेक्सस न होता तो एक मंत्री की थाने में हत्या करने के बाद इतने वक्त तक विकास दुबे सरवाइव नहीं करता, सलाखों के बाहर नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये फरीदाबाद पुलिस टीम है, ये इस मकान के बाहर खड़ी है। अब इस मकान के बाहर खड़ी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल विकास दुबे के इसी मकान में छिपे होने की संभावना थी, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने रेड की थी। इस मकान के अंदर एक शख्स जो ये मकान की छत है, मकान की छत पर भागा, छत पर भागकर वहां से फरीदाबाद पुलिस टीम पर फायरिंग की। इसी मकान से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें श्रवण, अंकुर और प्रभात नाम का वो शख्स है जो कानपुर से विकास दुबे के साथ भागता हुआ यहां पर आया था। और प्रभात के पास से ही दो वो हथियार बरामद हुए हैं जो कानपुर पुलिस कर्मियों से लूटे गए थे। आप मकान देखिए, फरीदाबाद पुलिस टीम यहाँ फिलहाल भी मौजूद है इस संभावना से कि यहाँ पर कोई आ सकता है। इसी मकान में कल देर रात फरीदाबाद पुलिस टीम ने रेड की थी और यहीं पर विकास दुबे के छुपे होने की संभावना थी, लेकिन विकास दुबे यहाँ नहीं मिला, क्योंकि वो होटल जो ओयो होटल है जहाँ की तस्वीरें ब्लू टी शर्ट में आई थी, वहां पर उसको रखना था, ये प्लान था, जबकि प्रभात यहाँ पर रहता। तो यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस टीम ने कल रेड की थी, यहाँ पर छत पर एक आरोपी भागा था और जैसा कि FIR में लिखा हुआ है जो आज तक के पास पड़ा मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब पुलिस पार्टी ने यहाँ पर रेड की तो यहाँ पर भी फायरिंग की गई फरीदाबाद पुलिस पर, जिसके बाद तीन आरोपियों को जिसमें अंकुर, श्रवण और जो प्रभात है, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी बात यह है कि प्रभात के पास से सरकारी जो है पिस्टल कानपुर पुलिस कर्मियों से जो लूटी गई थी वो बरामद हुई। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है मीनाक्षी और नेहा, वो ये है कि प्रभात के पास से 47 से ज्यादा लाइव जो कारतूस है वो बरामद हुए, उसके अलावा दो और वेपन बरामद हुए। तो सवाल यह है कि क्या विकास दुबे अपने साथ फरारी के दौरान हथियार लेकर भी घूम रहा है? और देखिए, जो जहां से ये हथियार मिले हैं और जो कनेक्शन कानपुर शूटआउट से और पुलिस के हथियारों से मामला जुड़ रहा है, ये इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कितना, किस लेवल तक, किस स्तर तक संरक्षण विकास दुबे को था। लेकिन आइए अब आपको हम सुनवाते हैं कानपुर शूटआउट में घायल सिपाही अजय कश्यप की जुबानी उस मुठभेड़ की कहानी, क्योंकि अजय कश्यप बता रहे हैं कि फायरिंग के बीच कैसे उनकी जान बची और बाकी पुलिस वाले मारे गए। नाइट पार्टी हुई थी सुबह 9 बजे, तो हम विकास दुबे घर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे JCB खड़ी थी, तो JCB खड़ी होती थी तो वहाँ पे थोड़ा सा कुछ अंदेशा सा हुआ, तो सब ने नॉर्मली लिया उसे। तो कुछ लोग JCB के नीचे से निकलने लगे आगे से, तो हम कुछ लोग पति में हमारे सर, हम JCB के आगे से चले गए, क्योंकि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल पा रहा था। तो JCB क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई देगा, तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते जाओ घर के पीछे जाओ, हमारे एसोसिएशन घर के लेफ्ट साइड का ध्यान देते हैं, तो सर हमें आवाज़ देते हैं अजय। तो फिर हम दो आ जाए हमारे थाने में, तो हम दोनों आ जाए सर के पास जाके, सर के पास जाके पहुँच जाते हैं, हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक पहुँच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है, और फायरिंग बहुत जगह से वाली होती है, कम से कम 20-22 राउंड आए हमने पहली बार में। तो वो हम आज सहंगर की गोली लगी हमारे भैया के, उनके दो गलियों के यहाँ लगी, और एसओ सर की गोली लगी, मेरे यहाँ हाथ में गोली लगी और टांग में लगी, पैर छरे लगे। तो हम बड़ी मुश्किल से, हमें एक आड़ सी दिखाई थी दीवार की, उस दीवार की आड़ लेके हमने थोड़ी कवरिंग फायरिंग की, कवरिंग फायर करते हुए, लेकिन हमें अंधेरा बहुत था, हमें बदमाश नहीं दिखाई दे रहे थे, तो बस हमने कवरिंग फायर करते हुए हमने ट्रॉली की एक ट्रॉली खड़ी थी, उसमें सबने ट्रॉली की आड़ ली, सब पहले गए, फिर सबने हमें बुलाया, हम उनके पीछे गए, फिर एक टूटे से मकान में होते हुए
फिर हमें गली में आ गए। अब हमें यही पता था गली पार है नहीं है, तो भगवान की दुआ से वो गली पार थी, तो हम अपनी गाड़ी तक आ गए। तो सर ने सबसे पहले हमें अस्पताल पहुंचाने लगे, गाड़ी बिठाया, हमें अस्पताल छोड़ा, वहाँ आ गए अस्पताल। फिर हमें बाद में थोड़ी थोड़ी खबरें आती रही कि हमें फायरिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, अपनी फायरिंग चालू है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से विकास दुबे का कनेक्शन है, ये सभी जगह यूपी में स्थित हैं, कई दिल्ली के आसपास के एनसीआर के इलाके हैं, लेकिन कानपुर देहात और उसके आसपास का इलाका जहां पर विकास दुबे का रसूख साफ तौर पर नजर आता है, चाहे वो पुलिस वालों की बात हो, चाहे उसके गुर्गे हो, चाहे तमाम जगह जहां पर पुलिस ने दबिश दी है, ऐसा लगता है कि विकास दुबे जिस तरीके से फल फूल रहा था, राजनीतिक संरक्षण तो था ही, पुलिस का संरक्षण भी था, और उसे कहीं ना कहीं इस बात का आत्म विश्वास था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं वो अभी तक दिखाई भी दे रहा है। देखिए नेहा, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में जितनी तस्वीरें आई हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो बचा नहीं है। सारे पॉलिटिकल पार्टियों के विधायकों, पूर्व सांसदों, मंत्रियों तक के साथ उसकी तस्वीरें आई हैं, पार्टियों की उसकी तस्वीरें आई हैं। साथ साथ जिस तरीके से ऑडियो सामने आया कि किस तरीके से उसका सिक्का चलता था अपने स्थानीय चौबेपुर थाने पर, कि जो थानेदार है या फिर बिल्हौर के आसपास के जितने थाने हैं वहां के थानेदार तक उससे घबराते थे, और जिस तरीके से पूर्व एसपी अनंत देव और जो तमाम दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ जो ऑडियो आया जिसमें पूरी तरीके से एसएसपी भी, उस वक्त के एसएसपी लाचार दिखाई दिए थे, ये इस बात की कहानी कहता है कि विकास दुबे अपने इलाके में कितना ज्यादा रसूख रखता था, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो पुलिसिया हो। लेकिन एक बात और, इस बार उसका साम्राज्य पूरी तरीके से ढह रहा है, उसके लोग मारे जा चुके हैं। कल रात जो मुठभेड़ हुआ है उसमें उसका दाहिना हाथ माना जाता था वो उसे मार गिराया है, एक और दूसरा जो श्याम वाजपेयी है वो इस वक्त घायल है, लेकिन तीन लोग जो पकड़े गए हैं उसके अलावा फरीदाबाद से जो फरार हुआ है, फरीदाबाद में वो जो पुलिस के हाथ से वो मिस हुआ है, तो क्या वो कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और पूरी, क्योंकि आज पांचवां दिन है और पांच दिन हो चुके हैं, 50 टीमें लगी हुई हैं, बावजूद इसके विकास दुबे का पुख्ता तौर पर यह कहा जाना मुश्किल है कि वो कहाँ है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलावा शाहडोल जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ उसके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई है, फरीदाबाद में छापेमारी हुई है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी हुई है। उसकी पत्नी और उसके बेटे का आखिरी लोकेशन जो है वो चंदौली उत्तर प्रदेश की सीमा पर मिला है। तो कुल मिलाकर इस वक्त तमाम टीमें लगी हुई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस वक्त वो इतना बड़ा फ्यूजिटिव होकर उभरा है कि पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना यह है कि क्या वो गिरफ्तार होता है, उससे मुठभेड़ होती है या फिर वो सरेंडर करता है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे फरार है, लेकिन उसे अपराध का विकास बनाने वालों का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा। सबसे बड़ी बात यह कि उसके मददगारों में पुलिस वालों के ही नाम आने लगे हैं और शक की उंगली कई पुलिसकर्मियों पर उठने लगी है। विकास दुबे फल राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर, हत्या के मामले 5, आपराधिक मामले 71। ये पहचान उस विकास दुबे की है जिसने एक हाथ में पिस्तौल थामी और दूसरे में राजनीति और पुलिस प्रशासन का दामन, और बन गया यूपी का सबसे बड़ा क्रिमिनल। 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। ।2001 में जब इसने दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला को थाने में जाकर मारा और इस चक्कर में 2 पुलिस वालों को भी जान गंवानी पड़ी थी, तभी इसके गुनाहों का हिसाब किताब हो जाना चाहिए। लेकिन जिस पुलिस के जवानों के सीने छलनी हुए उनमें से कई विश्वासघाती इसके साथी बन बैठे थे और विकास मोम की पुलिस को अपनी हंसी में उड़ा देता था। नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें आती थीं, लोकल पुलिस इसकी जेब में थी। लेकिन अब 8-8 पुलिस वालों की अर्थी उठी तो उन जनाजों के नीचे पुलिस विभाग का सड़ा गला सच भी सामने आ रहा है कि कैसे एक पुलिस वाला अगर विकास दुबे के अपराध पर नकेल कसना चाहता था तो 100 पुलिस वाले
विकास दुबे के दोस्त और मुखबिर बन जाते थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस में विकास दुबे के एक दो नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले मददगार थे। वो पुलिस वाले विकास के लिए गुर्गे की तरह काम करते थे और थाने में कोई तहरीर आती तो पहली सूचना विकास दुबे तक पहुंचाते। 2 जुलाई की रात सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के साथ 8 पुलिस वालों को अपने अपराधों की बंदूक से छलनी करने वाले विकास दुबे को मदद करने का आरोप चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर भी लगा। ये वही विनय तिवारी हैं जिनके खिलाफ सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को चिट्ठी लिखी थी कि कैसे एसओ तिवारी की साठ गांठ विकास दुबे से है, लेकिन कार्रवाई तो दूर, अब पुलिस मानने को भी तैयार नहीं है कि चिट्ठी मिली थी। ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पर पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी नहीं, फोन पर भी एक मामले में उन्होंने एसएसपी अनंत देव तिवारी से विनय तिवारी की शिकायत की थी। रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है, उस पर सर एसओ का कौन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई, 7 मुलजिम पकड़े गए। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। सर ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा सर ये बिल्हौर वाला। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भाई चोरी में और सर तुमने 5 के छोड़ दिया, आपको सर बताया था सर ये बात सर कि मैं कौन हूँ मुलजिम, मुझसे क्या मतलब भाई, सीओ देख रहा है वहाँ पर गलत है कि सही है, सीओ जाने नहीं सर इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए, इन्होंने कहा बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे एक बार फिर पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहा है। विकास दुबे के बारे में खबर यह है कि हरियाणा के फरीदाबाद में वो मौजूद है। सूचना मिलते ही फरीदाबाद पुलिस ने घेराबंदी की। विकास दुबे के 3 गुर्गों को दबोचने में पुलिस को कामयाबी भी मिली, लेकिन क्रिमिनल नंबर 1 एक बार फिर वहां से भाग गया। क्या ये गैंगस्टर विकास दुबे है जिसे यूपी पुलिस चिराग लेकर ढूंढ रही है? क्या ये वही विकास दुबे है? क्या ये 2.5 लाख का इनामी विकास दुबे ही है? 5 दिनों की मशक्कत के बाद यूपी पुलिस को विकास दुबे के बारे में जो मुट्ठी भर सुराग हाथ लगे हैं उसमें सबसे अहम ये सीसीटीवी फुटेज और ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बारे में शक है कि ये विकास दुबे की हो सकती हैं। ये फुटेज फरीदाबाद के गेस्ट हाउस का है जहां 30 से 35 पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में धावा बोला इस सुराग पर कि यहां विकास दुबे छिपा हो सकता है। 12:30 से 1 के बीच में आए थे, इन्होंने रूम की पूछी, रूम मिल जाएगा, मैंने सर मिल जाएगा, आईडी कार्ड हुई, इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया, पैन कार्ड में ना तो इनका कोई एड्रेस था ना होता उसमें, और क्या कहते हैं फोटो ब्लर आ रही थी कि जिससे लगे कि हाँ ये भाई ये आदमी इसी का आई कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा आप दूसरी आईडी दे दो कोई मेरे को, उन्होंने मुझे आईडी नहीं दी और वो चुपचाप नीचे उतर गए। फरीदाबाद पुलिस को इस होटल पर दबिश से विकास दुबे तो हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके 3 राजदारों को दबोचने में पुलिस जरूर कामयाब रही। ये वो राजदार हैं जिन्हें पुलिस ने फरीदाबाद के न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया है। न्यू इंदिरा नगर में ही विकास दुबे अपने साथ प्रभात मिश्रा के घर छिपा था। प्रभात मिश्रा के घर फरीदाबाद पुलिस ने कल रात दबिश दी, उस दबिश की पूरी कहानी इस एफआईआर में दर्ज है। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे के गुर्गे ने फायरिंग की, जवाब में पुलिस टीम की तरफ से भी फायरिंग की गई। मामूली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने विकास दुबे के गुर्गे को दबोच लिया। गिरफ्तार गुर्गा प्रभात विकास दुबे का रिश्तेदार है। प्रभात के साथ ही विकास दुबे कानपुर से फरीदाबाद आया था। प्रभात के साथ 2 और आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 रिवॉल्वर बरामद हुए हैं जिनमें 2 सरकारी रिवॉल्वर हैं। ये वही सरकारी रिवॉल्वर हैं जिन्हें विकास दुबे ने बिकरू गांव में पुलिस से छीनी थी।
एफआईआर में बकायदा फरीदाबाद ने सब कुछ क्लियर कट कर दिया है कि किस तरीके से जो विकास दुबे है वो फरीदाबाद में छिपा हुआ था अपने सहयोगी प्रभात के साथ, और अंकुर और श्रवण ने उनको शेल्टर दिया था। तो ये क्लियर कट है कि विकास दुबे फरीदाबाद में छिपा हुआ था। पीछे की तरफ जो ये होटल आप देख पा रहे हो, इसी होटल का जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ब्लू टी शर्ट में जो शख्स दिख रहा है प्रभात है, ऐसा कहना है, जो गिरफ्तार हुआ है प्रभात विकास दुबे है, ऐसा कहना है प्रभात का और अंकुर का। अंकुर वो है जिसने शेल्टर दिया था। एसटीएफ की टीम यहां पर आई थी पूछताछ करने के लिए, पूछताछ की है लेकिन अभी कस्टडी नहीं मिली है। आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक विकास दुबे पहले अपने रिश्तेदार प्रभात के सेक्टर 87 वाले घर में ठहरा था, फिर वो इस गेस्ट हाउस में रुकने वाला था, लेकिन पुलिस रेड से पहले ही वो फरार हो गया। फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया है कि जब वो रेड करने यहाँ पर आई थी तो उसके ऊपर फायरिंग हुई है, जिसके बाद दो लोगों को मौके से काबू किया गया जिसमें प्रभात नाम का शख्स था। प्रभात एक अहम कड़ी है मीनाक्षी, क्योंकि प्रभात वो शख्स है जो लगातार साय की तरह विकास दुबे के साथ फरारी काट रहा था। विकास प्रभात की गिरफ्तारी काफी अहम साबित होगी। जब रात में विकास दुबे फरार हुआ उसके बाद फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। फरीदाबाद पुलिस ने गेस्ट हाउस से मिले तमाम सबूत यूपी एसटीएफ को सौंप दिए हैं। पुलिस को यकीन है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपा हो सकता है। यूपी एसटीएफ की एक टीम दिल्ली एनसीआर में डटी है तो यूपी की पुलिस वो हर कोना तलाश रही है जहां विकास दुबे के सुराग मिल सकते हैं। एसटीएफ ने लखनऊ स्थित विकास दुबे के घर पर भी छापा मारा और घर के भीतर रखे दस्तावेजों को खंगाला। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस चौतरफा एक्शन में है, लेकिन 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फरीदाबाद से हिमांशु मिश्रा, दिल्ली से अरविंद ओझा, कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ आज तक। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा उस लोकेशन तक पहुंचे जहां विकास दुबे छिपा था। इसी मकान में गैंगस्टर के गुर्गों की फरीदाबाद पुलिस से भिड़ंत भी हुई थी। इस वक्त हम फरीदाबाद के हरिनगर इलाके में मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दरअसल ये वो मकान है जिस मकान में विकास दुबे, उसका जो साथी था प्रभात, वो दोनों छुपे हुए थे। ये मकान दरअसल अंकुर का है और अंकुर ही वो शख्स है जिसको फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी मकान में शेल्टर शरण दी गई थी जब फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद इस घर में बाकायदा पुलिस टीम ने रेड की और जो एक आरोपी था उसने फरीदाबाद पुलिस की टीम पर फायर भी किया था, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद छत के ऊपर से एक आरोपी को दबोचा गया जबकि दो लोगों को घर के अंदर से दबोचा गया। कुल मिलाकर फरीदाबाद पुलिस ने इस मकान से अंकुर, प्रभात और श्रवण को गिरफ्तार किया है, लेकिन विकास दुबे अभी भी यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद है और इस मकान के अंदर रेड की गई थी। छत पर एक शख्स भागा था, छत पर जो शख्स भागा था उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। इसी घर से जब प्रभात को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 2 पिस्टल सरकारी वो बरामद हुई है, वो वही पिस्टल है जो कानपुर पुलिस कर्मियों से लूटी गई थी। उसके अलावा 2 और पिस्टल बरामद हुई है, भारी तादाद में खोखे वो बरामद हुए हैं। यूपी पुलिस विकास दुबे के पीछे पूरी ताकत झोंक चुकी है, जहां भी उसके छिपे होने की संभावना हो सकती है पुलिस वहां दबिश दे रही है। यूपी पुलिस ने हमीरपुर में भी दबिश दी जहां विकास दुबे के दाएं हाथ अमर दुबे को मार गिराया गया। अमर दुबे वो शख्स था जिस पर विकास की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। मारा गया गैंगस्टर का सबसे बड़ा गुर्गा। विकास दुबे के दाएं हाथ का काम तमाम, साय की तरह साथ रहने वाले का दी एंड। विकास दुबे को दबोचने में लगी यूपी पुलिस जब हमीरपुर पहुंची तो वहां उसका सामना गैंगस्टर का दाया हाथ रहा अमर दुबे से हुआ। वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात विकास दुबे के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोपी है। अमर दुबे का नाम अब वांटेड की लिस्ट से काट दिया गया है क्योंकि यूपी पुलिस ने इसी इलाके में उसे घेर कर मार गिराया।
अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। अमर दुबे को पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी क्योंकि वो विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार और उसका सबसे विश्वस्त माना जाता था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था और इस केस में वांटेड आरोपियों की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अमर दुबे रिश्ते में विकास का चचेरा भाई था। वो विकास दुबे का पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। अमर दुबे हमेशा हथियारों से लैस रहता था। विकास दुबे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमर दुबे पर ही थी। 2 जुलाई की रात फायरिंग में वो भी शामिल था। विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे भी भागा था। पुलिस को अमर के विकास दुबे के साथ ही भागने की जानकारी तब हुई जब पुलिस को उसकी फोर्ड कार औरैया दिबियापुर हाईवे पर मिली थी। कार के अंदर मिले दस्तावेजों से पुलिस को अमर के लखनऊ स्थित घर का पता चला था। यूपी पुलिस उन तमाम तारों को जोड़ने में लगी है जो उसे विकास दुबे तक पहुंचा सके, लेकिन यूपी पुलिस के लिए अब भी सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर विकास दुबे इतनी आसानी से फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। आज तक को ये भी पता चला है कि विकास दुबे मुठभेड़ की रात खेतों के रास्ते भागा। पहले साइकिल से 5 किलोमीटर दूर शिवली पहुंचा। शिवली पहुंचते ही उसने मोबाइल बंद कर लिया। शिवली से वो बाइक के जरिए आगे निकला। पुलिस को विकास का आखिरी लोकेशन चंदौली का मिला। तब से पुलिस लगातार जाल बिछा रही है, विकास के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक विकास दुबे की गर्दन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। पुलिस से 2 कदम आगे होता है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, यानी कि पुलिस के भीतर कोई ना कोई भेदिया है जो विकास को पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दे देता है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे भागकर कहां गया है। उसके फरार होने को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वो बिहार में हो सकता है। आज तक ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की और ये जानने की कोशिश की कि बिहार पुलिस की तैयारी क्या है। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे की कई राज्यों में तलाश चल रही है और इस बात की भी संभावना है कि वो बिहार के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि बिहार के डीजीपी हैं। सर, इस बात की बहुत आशंका है, कह सकते हैं संभावना भी है कि हो सकता है वो बिहार के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश करें, ऐसी हालत में आप लोगों की तैयारी क्या है? नहीं आ सकता बिहार, मैं बता रहा हूँ। उसको मैसेज एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको क्लियर है, बिहार आएगा तो उसकी भरपूर स्वागत की तैयारी है। कैसे आ जाएगा? 8-8 हमारे पुलिस भाइयों को उसने कत्ल किया इतनी बेरहमी से। वो क्या किए थे? वो तो अपने कानून का पालन करने गए थे, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाने गए थे, और 8 लोगों को उसने मार दिया और मार करके और गायब हो गया। ये अपराध की संस्कृति है और उसको कुछ लोग शेर कह रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पर देखा। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो किसी अपराधी को हीरो बनाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं। इसी से अपराध की संस्कृति फलती फूलती है, इसी से अपराध की संस्कृति फलती फूलती। सीमावर्ती इलाकों में क्या चौकसी बढ़ाई गई है, अलर्ट पे रखा गया है अगर भागने की कोशिश करें नेपाल तो? हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से मिलते हैं, सभी SP को अलर्ट किया गया है। STF की टुकड़ी भी वहां तैनात है, उसके पॉसिबल जो कॉन्टेक्ट हो सकते हैं घुसने के, उस पर नजर रखी जा रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी भी उसको अकल होगी तो बिहार की तरफ तो झांकने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई लिंक्स पता चले हैं कि बिहार में उसके हो सकते हैं जो उसकी मदद कर? हम लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं, अभी हमें कोई लिंक नहीं पता चला है। क्योंकि आप कह रहे हैं ये यूपी या बिहार पुलिस का मामला नहीं है, देश की पुलिस का मामला है। 8 जवान जो है शहीद हुए हैं पुलिस के, तो क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए जो उन्होंने मुखबिरी की होगी, जो अरे ठोस साक्ष्य हो तो होना चाहिए। ऐसे लोग चाहे वो पुलिस में हो चाहे किसी पेशे में हो, जो इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देते हैं, समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं अपराध करने में, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अगर सरकारी सेवा में है तो उनको डिसमिस भी होना चाहिए, जेल भी जाना चाहिए। विकास दुबे के जुर्म का रिश्ता उसके रिश्तेदारों से भी जुड़ता है और इसी जुर्म की बुनियाद पर उसने बेशुमार दौलत भी इकट्ठा कर ली थी। विकास ने राजनीतिक दबदबा बनाया और कानपुर के अपने गाँव से शहर तक और सूबे की राजधानी लखनऊ तक तमाम संपत्तियां और जमीन उसने बनाई।
विकास दुबे के पिकरू गांव के किलेनुमा घर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, पूरे 8 सीसीटीवी कैमरे, और इस पर बारीक नजर रहती थी विकास दुबे और इसकी पत्नी ऋचा दुबे की। उनके मोबाइल फोन पर इसका एक्सेस था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे को पहले से ही पता था कि 2 जुलाई की रात क्या होने वाला है। विकास को लगता था कि पुलिस छापेमारी करके उसका एनकाउंटर कर सकती है। उसने लखनऊ में रहने वाली अपनी पत्नी को बता रखा था कि अगर कोई खतरा लगे तो वो अपने लोगों और कुछ एक आला अधिकारियों नेताओं को सूचना दे दे, इसके बाद भी अगर ज्यादा खतरा दिखे तो वो खुद भी भाग जाए। पत्नी ऋचा के मोबाइल पर सीसीटीवी एक्सेस के अलावा रिकॉर्डिंग की सुविधा भी थी। बहुत मुमकिन है कि घटना के दिन उसने सब कुछ देखा हो। यह भी हो सकता है कि उसके मोबाइल पर कोई रिकॉर्डिंग भी हो। पुलिस के लिए उसका मोबाइल बेहद अहम कड़ी साबित हो सकता है। लेकिन 2 जुलाई की रात 2 बजे से ही दोनों पति पत्नी का फोन बंद हो चुका था, क्योंकि उससे पहले ही विकास के गुंडों ने पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। मेरे पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी रहा, निरे सलाह रहा, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी, कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास दुबे की मुलाकात ऋचा से 1995 में हुई थी। तब उसका नाम सोनू था। वो कानपुर के शास्त्री नगर के छठे हुए बदमाश राजू खुल्लर की बहन थी। लेकिन एक बार विकास और सोनू मिले तो दोस्ती रिश्तेदारी की तरफ बढ़ चली। दोनों ने शादी कर ली और फिर विकास का कामकाज राजू देखने लगा। उसके बाद विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपने पांव पसारे तो अपनी जमीन जायदाद भी बहुत बढ़ा ली। आज विकास दुबे के पास करीब 250 बीघा खेती की जमीन है, जो चौबेपुर, बिल्हौर, शिवली और बिठूर में है। शिवली के शोभन में विकास ने अपने भाई दीपू दुबे के नाम पर 20 बीघा जमीन खरीदी थी। कानपुर के कल्याणपुर, काकादेव और लखनऊ में भी विकास के नाम पर करोड़ों की जमीन, मकान और संपत्तियां हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में उसका आलीशान मकान है। इतना ही नहीं, उसके अपराध में भागीदार जय वाजपेयी भी 7 साल में 4,000 रुपए की नौकरी से करोड़ों की कमाई तक पहुँच गया। पुलिस ने उसके गाँव वाले घर पर बुलडोजर तो पहले ही चला दिया है, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित उसकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। साथ ही पुलिस उसके बैंक खाते भी सीज करने जा रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। विकास दुबे के अपराध का निशाना जब 8-8 पुलिस वाले बने तो यूपी पुलिस हरकत में आ गई। यूपी में अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। इनमें मुख्तार अंसारी और मुबारक खान से लेकर त्रिभुवन सिंह और उमेश राय जैसे टॉप अपराधी शामिल है, जिनके खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी, उमेश राय उर्फ गौरा राय, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, अतीक अहमद खान मुबारक, ये हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 क्रिमिनल्स। इनकी चर्चा इसलिए शुरू हो गई है कि विकास दुबे मामले के बाद यूपी सरकार ने अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने टॉप मोस्ट अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है, जिसके मुताबिक पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया गया है। इनमें नंबर 1 पर नाम है मुख्तार अंसारी का, जिनके खिलाफ ऑपरेशन में पिछले एक हफ्ते में 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी का नाम नंबर 1 पर कैसे और क्यों पहुंचा, ये भी जान लेते हैं। मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम आया था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का खौफ भर गया।
हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन के 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। अपराधियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है उमेश राय उर्फ कौरा राय का नाम। मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर है उमेश राय उर्फ गौरा राय। वो इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का तीसरा नाम है त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, जो इस वक्त यूपी की मिर्जापुर जेल में बंद है। त्रिभुवन सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5 लाख का इनाम रखा गया था। वाराणसी के 2009 लंका कांड में त्रिभुवन सिंह का नाम आया था। उत्तर प्रदेश के अपराधियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर अतीक अहमद है, जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक अहमद के पिता कभी इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। अतीक अहमद के खिलाफ 1979 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित हैं। पुलिस ने हाल के ही दिनों में अतीक अहमद के अपराधी बेटे को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ अतीक अहमद, सुंदर भाटी, अनिल गुंजाना, ब्रिजेश सिंह समेत आधा दर्जन से अधिक अपराधियों के खिलाफ अवैध संपत्ति, हथियारों और अवैध धंधों की जब्ती की कार्रवाई भी की है। अपराधियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है खान मुबारक, जो इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ माफिया का आपराधिक सफर। पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पर चलाई थी गोली। खान मुबारक छोटा राजन गैंग से जुड़ा था। फिरौती और हत्या की सुपारी में खान मुबारक का नाम प्रदेश के अपराधियों में सबसे ऊपर है। सरकार के ऑपरेशन क्लीन का यह पहला दौर है, लेकिन बबलू श्रीवास्तव से लेकर सुभाष ठाकुर और ब्रिजेश सिंह तक तमाम अपराधियों के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं। विकास दुबे के बहाने ही सही, लेकिन सरकार ने ऑपरेशन क्लीन पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत तमाम ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो अपराध की दुनिया में बड़े नाम हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सरकार उन सफ़ेद पोशों तक भी पहुंचेगी, जिनके संरक्षण के बगैर कोई मुख्तार अंसारी, कोई अतीक अहमद और कोई बड़ा अपराधी नहीं बनता। ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर।